नाम के पाठ एक में आपका पुनः स्वागत है। इस पाठ में हम चल रहे हैं फॉर्मेशन एंड यूजेज ऑफ द पजेसिव केस। पजेसिव केस का प्रयोग, उसको हमने एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया है। जैसे ए बॉयज हैट, राम्स फादर, ए डॉग्स टेल, इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति, पशु, पक्षी या जानवर के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। हो गया आपका नाउंस, हो गया डॉग्स टेल, हो गया ए बर्ड्स नेस्ट, नेस्ट मींस घोंसला। लेकिन जब यदि नाउन प्लूरल हो, प्लूरल में उसके अंत में एस हो, प्लूरल में उसके अंत में एस हो, तो एपोस्ट्रोफी सिर्फ एस के ऊपर लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं एस के ऊपर। जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, वर्कर्स डिमांड, ठीक है। लेकिन जिसके पूर्ण में एस नहीं लगता हो, जैसे मैन का मेन, वुमन का वुमेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, उसमें तो एस नहीं लगता है, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम प्रयोग करते हैं और जैसे जो है केस बनाते हैं। जैसे वुमेन्स, डब्ल्यू ओ एम ई एन एपोस्ट्रोफी एस, वीमेन्स कॉलेज, मेन्स एम ई एन एपोस्ट्रोफी एस, मेन्स हॉस्टल। इसका मतलब कि जिस नाउन के पूर्व में एस लगता हो तो एस के ऊपर ठीक एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करें, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। अगर एस नहीं लगता हो तो पूर्णतः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं का पूर्ण वीमेन होता है, एस नहीं लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, वीमेन्स कॉलेज। मेन्स हॉस्पिटल, इसने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इसके अंत में एस नहीं लगता है। तो जिस नाउन के प्लूरल में एस नहीं लगता है उसमें पूर्णतः एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करें, ठीक है। अगला देखते हैं, निर्जीव चीज के बारे में कह रहा है कि निर्जीव चीज के साथ जो है सो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द गेट ऑफ द हाउस, द बुक्स ऑफ मिस्टर सिन्हा, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, द लेग्स ऑफ द टेबल, जब निर्जीव वस्तु हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए क्या है, इंडियाज फ्यूचर, मतलब देश के नाम यदि रहे तो देश के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, जो पजेसिव केस जो बनाना रहता है वह दो तरह से बनाया जाता है, पहला एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा और दूसरा ऑफ के द्वारा। तो व्यक्ति, जानवर,
पशु पक्षी के साथ जो है सो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए, लेकिन निर्जीव चीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर पहला रूप, अब आगे देखेंगे तो उसका प्रयोग पर ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि इंडिया बताता है कि देश के नाम के साथ जो है आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के द्वारा भी बना सकते हैं, जैसे इंडियाज फ्यूचर या तो फ्यूचर ऑफ इंडिया, अमेरिकाज हिस्ट्री या तो हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, दोनों तरह से बना सकते हैं। अब देखिए किसी स्थान के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन उस स्थान के साथ यदि सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ हो, देखिए बेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री, तो किसी प्लेस के साथ यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं या ऑफ से भी बना सकते हैं, जैसे द टाउन्स बेस्ट होटल या द बेस्ट होटल ऑफ द टाउन, दोनों तरह से आ रहा है, द विलेजेस ओल्डेस्ट ट्री या द ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द विलेज, इस स्थान में सुपरलेटिव डिग्री के वजह से हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी बताने के लिए निर्जीव चीज के साथ ह्यूमन जहां पर एक्टिविटी है उसमें, तो उसको एक मानवीय रूप माना जाता है, तो मानवीय रूप मान करके उसका संबंध जो है ह्यूमन एक्टिविटी से, जैसे द प्लांट्स इंपॉर्टेंस इस योजना का महत्व, तो कोई व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जाएगा, तो जहां पर कार्य करना ह्यूमन एक्टिविटी उसमें सम्मिलित हो, उससे संबंधित हो, तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ के द्वारा भी पॉजेसिव केस बना सकते हैं, जैसे द प्लांट्स इंपॉर्टेंस या द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट, द रिपोर्ट्स कंक्लूजन या द रिपोर्ट का जो कंक्लूजन होगा निष्कर्ष होगा उसमें ह्यूमन एक्टिविटी काम करेगा, तो द रिपोर्ट्स कंक्लूजन या द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट, द यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट या द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, द बुक्स ऑथर या द ऑथर ऑफ द बुक, इसका मतलब जो भी निर्जीव चीज आ रहा है उसको मानवीय रूप में बताया गया है, मानवीय रूप मतलब मानव के रूप में उसको व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि उस कार्य को करने के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी है, तो इस वजह से इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और द गेम्स हिस्ट्री या द हिस्ट्री ऑफ द गेम ह्यूमन एक्टिविटी है, द स्कूल्स हिस्ट्री या द हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, इसमें क्या है द हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो इतिहास जो है वो मानवीय कार्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें आप दोनों तरह से बना सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा भी और ऑफ के द्वारा भी। ए मोमेंट्स डिले एक क्षण की देरी, क्षण मतलब समय सूचक शब्द आ रहा है, मतलब टाइम बताने वाले शब्द के साथ भी एपोस्ट्रोफी ही एस का प्रयोग करते हैं, जैसे ए मोमेंट्स डिले एक क्षण की देरी, ए वीक्स हॉलीडे एक सप्ताह की छुट्टी, ए डेज जर्नी एक दिन की यात्रा, टू डेज न्यूज पेपर यस्टरडेज न्यूज, फाइव डेज, देखिए फाइव चलते यहाँ पर डेज हो गया, तो सिर्फ एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी इसका सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, जब नाउन के प्लुरल में अंत में एस लगा हुआ रहता है तो उसमें एस के ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मंथ्स अरेंजमेंट, टुमारोज प्रोग्राम, टुमारोज प्रोग्राम, अब बता रहा है अगला स्पेस बताने वाले शब्द, स्पेस जब बताया जाएगा तो उसमें लेंथ आएगा, पॉइंट आएगा, एज आएगा, विड्थ आएगा, ब्रेथ आएगा, तो वैसे परिस्थिति में हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों के द्वारा हम पोजेसिव केस बना सकते हैं, जैसे ए शिप्स लेंथ या द लेंथ ऑफ ए शिप,
ए हेयर स्प्लिट, ए नीडलेस पॉइंट, इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, द पॉइंट ऑफ ए नीडल, ए स्टोन थ्रो, ए हेयर स्प्लिट या स्टोन थ्रो, इसको दूसरा ढंग से नहीं बना सकते, इसमें ऑफ नहीं लगाएंगे, बाकी में लगा रहे हैं, द वाटर स्टेज या द एज ऑफ द वाटर, ए जर्नीज एंड या द एंड ऑफ द जर्नी, लेकिन ये दोनों में याद रखिएगा, ये हेयर स्प्रिट और ये स्टोन थ्रो, इसको ऑफ के द्वारा आप पॉजेसिव नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किया जाएगा। वेट की इकाई, वेट की इकाई के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, जैसे ए पाउंड्स वेट, ए टन्स वेट या फाइव टन्स वेट, तो फाइव के अनुसार टन्स हो गया, तो टन्स में क्या किए एस के ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया। मनी की इकाई में या तो वर्थ का प्रयोग कीजिए चाहे वैल्यू, मनी की इकाई ए रुपीज वर्थ, एक रुपए के लायक, या ए रुपीज वैल्यू, ए डॉलर्स वर्थ या ए डॉलर्स वैल्यू, दोनों में किसी का प्रयोग कर सकते। कलेक्टिव नाउन के साथ दोनों प्रयोग कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का और ऑफ का, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है कलेक्टिव नाउन के साथ, जैसे द क्राउड्स रिएक्शन या द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट्स डिसीजन या द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, द नेशन सिक्योरिटी, द नेशन सिक्योरिटी या द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। अगला कहता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आई का माय पजेसिव एडजेक्टिव, डी के लिए सी के हर, ए के डियर, बी के आवर, यू का योग, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत होगा, जैसे दिस इज योर स्कूल, गलत क्या होना चाहिए, दिस इज योर बुक, यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव जो आया योर, उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत है। अगला पॉइंट है कि कुछ उत्कृष्ट चीजों मतलब डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, डिग्निफाइड मीन्स उत्कृष्ट ऑब्जेक्ट्स के नाम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे द अर्थ्स क्रीचर या द अर्थ सरफेस ग्रेविटी एरिया, द लॉज डिले, नेचर्स लॉ, हार्ट्स कंटेंट, हीवंस विल, द माइंड्स आई या द माइंड्स जनरल डेवलपमेंट, द सन्स रेज, द सॉल्स डिलाइट, द कोर्ट्स डिक्री, द ओशंस रोअर, द ब्रेन्स टोटल सॉलिड वेट। ये जो है इस प्रकृति में बहुत ही उत्कृष्ट चीज है जो प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है और मनुष्य के लिए वह एक मानवीय रूप में, मनुष्य के मानवीय रूप में इसका प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ जो है सो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कुछ इडियम्स तथा फ्रेजेज के साथ इसको याद कर लेंगे, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, एट वंस विट्स एंड, आउट ऑफ हार्म्स वे, एट वंस फिंगर्स एंड, द ट्रेन्स अराइवल या द ट्रेन्स डिपार्चर, द बोट्स क्रू, द कार्स डिजाइन, द कंप्यूटर्स बिहेवियर, द शिप्स नेम या द शिप्स बेल,
या द शिप्स पैसेंजर्स, ए स्टोन्स थ्रो, द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम, ये जो है कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अवश्य किया जाता है। कंपाउंड नाउन में कहता है, कंपाउंड नाउन मीन्स एक से अधिक शब्द, कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे हिज सन्स इन, हिज सन, हिज सन इन लॉज हेल्थ, तो अंतिम शब्द लॉ हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार डिक्लेरेशन, अंतिम जो शब्द आया बिहार। द टीचर ऑफ हिस्ट्रीज स्टाइल ऑफ टीचिंग, अंतिम शब्द था आपका हिस्ट्री। द किंग ऑफ नेपाल्स पैलेस, अंतिम आपका नेपाल था। एन आवर एंड हाफ्स डिस्कशन, अंतिम हाफ्स था, हाफ इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा। लेकिन इसमें आप एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रेजेस कंपाउंड नाउन का काम करते हैं कि आपस के शब्दों के साथ जो फ्रेज कंपाउंड नाउन के रूप में काम करते हैं, तो उन फ्रेज के आपस के शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत होगा। जैसे द चीफ्स मिनिस्टर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न कि द गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार। हाँ, इस यहां पर आप देखें, यहां पर देखें द गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बाद कोई नाउन आ रहा है तब आपको इस बिहार में लगा है। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार्स डिक्लेरेशन नाउन आया है तब इसमें अंतिम में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं। द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, न कि द क्वींस ऑफ ब्रिटेन, यह गलत प्रयोग होगा। किसी नाउन के बाद नाउन इन ए पोजिशन का प्रयोग हो तो उसके साथ, मतलब नाउन इन ए पोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे राम मैरिड हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड कौन, मतलब मोहन्स सिस्टर, तो यहां पर ये जो है सो नाउन इन ए पोजिशन है, तो मोहन्स सिस्टर, तो यह आपका नाउन इन एपोजिशन, मतलब किसी नाउन के बाद, किसी नाउन के बाद ए नाउन आया, तो किसी नाउन के बाद यदि नाउन इन एपोजिशन आ रहा है तो नाउन इन एपोजिशन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। नोट में 1, 2, 3, 4, 5 इसको समझने की जरूरत है, ध्यान रखेंगे। यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों और दोनों दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो तो उसके साथ जो नाउन आते हैं वो दोनों का अलग अलग जो है सो अलग अलग दोनों का बात बताते हैं। जैसे राम्स एंड मोहन्स फादर, इसका मतलब कि राम के पिताजी अलग हैं और मोहन के पिताजी अलग हैं, मतलब दोनों के अलग अलग पिताजी। लेकिन यदि अंतिम में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया हो, जैसे राम एंड मोहन्स फादर, इसका मतलब दोनों को एक साथ जोड़ देता है, इसका मतलब दोनों का संबंध एक ही से है, मतलब दोनों के पिताजी एक हैं, इस दोनों को ध्यान रखें। सी रीड्स इन संत पॉल, कभी कभी क्या होता है कि नाउन के बाद जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं तो उसमें वह स्थान को, इसके बाद वह स्थान को व्यक्त करता है, तो उस स्थान को छिपा दिया जाता है। जैसे ही रीड्स इन संत पॉल, इसका मतलब संत पॉल स्कूल में पढ़ता है। आई सॉ हिम एट बार्बर्स,
मैंने उसे नाई नाई के मतलब नाई के कहाँ देखा, शॉप यहाँ पर छिपा हुआ है। तो एट बार्बर्स मतलब एट बार्बर शॉप, संत पॉल्स, संत पॉल्स का मतलब क्या हुआ, संत पॉल्स स्कूल। ही वॉज सिटिंग इन ए डॉक्टर्स, इसका मतलब कि वह कहाँ बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग इन ए डॉक्टर्स क्लिनिक। तो नाउन के बाद कभी कभी क्या होता है, उसमें जो एपोस्ट्रोफीस लगा हुआ रहता है, तो वह इन स्थानों को बताता है कि यह प्लेस को दर्शाता है, उस प्लेस में आपका स्कूल आया, शॉप आया, क्लिनिक आया। तो ऐसी स्थिति में इनमें सिर्फ एपोस्ट्रोफीस कर करके इस जगह का नाम नहीं दिया जाता है। दो लगातार एपोस्ट्रोफीस का प्रयोग गलत होगा, दो लगातार, जैसे राम की पत्नी के माता पिता, तो राम्स वाइफ्स पेरेंट्स गलत है, क्या लिखेंगे, क्योंकि दो लगातार आ गया, तो द पेरेंट्स, इनमें द लगा करके पेरेंट्स में द लगा के पहले लाइएगा, द पेरेंट्स ऑफ राम्स वाइफ, यह सही हुआ। मतलब दो लगातार एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके बनावट में अंतिम नाउन के पहले एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग होता है, लेकिन ए एन के बदले द, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हो तब अंतिम नाउन में एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे अब देखिए सी इज ए फ्रेंड ऑफ राम्स, इसका मतलब हुआ कि उसके बहुत से मित्र हैं, सी हैज मेनी फ्रेंड्स एंड राम इज वन ऑफ देम, और उनमें से राम भी एक है, ध्यान रखेंगे। सी इज ए फ्रेंड ऑफ राम्स, वह जो है वह मित्र किसकी है, राम की है, इसका मतलब कि राम के बहुत से मित्र हैं, यहाँ पर ठीक से समझेंगे, राम के बहुत से मित्र हैं, उनमें से वह जो है एक है। अब यहाँ पर इस नियम के अनुसार देखिए यह वाक्य कैसा है, डॉक्टर सिन्हा इज ए फादर ऑफ राम्स, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राम हैज मेनी फादर्स एंड डॉक्टर सिन्हा इज वन ऑफ देम, गलत हो जाएगा, यहाँ भाव गलत हो गया, इसलिए यह वाक्य गलत है। दिस आइडिया ऑफ लेनिन नॉट लेनिन्स इज इम्पॉर्टेंट, देखिए दिस लगा हुआ है, तो दिस, द, दिस, दैट, दिस, दोज का जब प्रयोग किया गया हो ए एन के जगह पर, ए एन के स्थान पर, तो उसमें जो नाउन आएगा उस नाउन में एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं होगा। तो दिस आइडिया ऑफ लेनिन न कि लेनिन्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वह है कि नाउन में एपोस्ट्रोफीस और उसके साथ नाउन आता हो तो उस नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे जॉन्स, जॉन्स, जॉन्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस, देखिए यहां पर नाउन आया है, तब क्योंकि एपोस्ट्रोफीस होने का मतलब उसके साथ नाउन आना चाहिए, तो नाउन है, तो जॉन्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस का मतलब हुआ, जॉन्स का मतलब कि जॉन्स हाउस। मैरिज ए न्यू, मैरिज इज ए न्यू कार, देखिए नाउन इसमें कार आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैरिज का मतलब हो गया मैरिज कार। इस स्थिति में जो एपोस्ट्रोफीस लग करके नाम, जो प्रॉपर नाउन आता है, उसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो वह नाउन या तो साथ रहे न तो एडजेक्टिव के बाद रहे, दोनों स्थिति में हो सकता है। जैसे जॉनसन्स हाउस इज ब्यूटीफुल,
या जॉनसन जॉन्स इज ए ब्यूटिफुल हाउस, दोनों तरह से ठीक होगा। द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग, जिसे द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द डीफ, द डम, द ऑनेस्ट, द डिजोनेस्ट, यह क्या करता है, पूरे समुदाय का बोध कराता है। इसका मतलब कि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग एक प्लूरल नाउन के सदृश होने पर, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट होने पर, सदृश होने पर, उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द रिचेज हॉबी, गलत है, क्या लिखेंगे, द हॉबी ऑफ द रिच। द पुअर्स ऑनेस्टी, गलत है, द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर, ठीक है। एवरी एनी या नो के साथ बॉडी वन रहने पर उसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। जैसे सी हैज स्टोलन समवंस या समबडीज पर्स, समवंस या समबडीज पर्स, किसी का पर्स उसने जो है सो चुरा लिया है। किंतु एवरीबडी, समबडी आदि के साथ एल्स, एल्स जब प्रयोग होगा तो एल्स का प्रयोग हो तब एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई लाइक नो बडी एल्सेज सजेशन बट योर्स, देखिए समबडी एल्स लगा हुआ है तो नो बडी एल्स लगा हुआ है तो नो बडी में नहीं करेंगे बल्कि एल्स में करेंगे। योर परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन एनी वन एल्स, तो एनी वन में नहीं किए, एल्स में किए, तो क्या हो गया, एनी वन एल्सेज, ठीक है। लेकिन एवरीथिंग, थिंग लग गया, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिशेबल, जो सुंदरता है, हर चीज की सुंदरता पेरिशेबल है, मतलब नष्ट होना ही है। तो यहां पर ऐसा नहीं लिखेंगे एवरीथिंग्स ब्यूटी, गलत होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज परमानेंट, तो यहां इस वाक्य में नथिंग्स एग्जिस्टेंस का प्रयोग करना गलत होगा। तो इसका मतलब कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग गलत होगा। अगला देखें, प्रोपर नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी आर रीडिंग किड्स पोएम्स या वी आर रीडिंग डिकेंस नॉवेल, ठीक है। वे नाउन्स जिनके अंतिम साउंड स हो, जिनका अंतिम साउंड स हो तथा जिनके बाद सेक, एस ए के ई, सेक लगा हुआ हो, तो उस नाउन में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करें। जैसे फॉर गुडनेस सेक, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी किए। फॉर जस्टिस सेक, सिर्फ जस्टिस में किए, जस्टिसेज गलत हो जाता। फॉर कॉन्सियंस सेक, ऐसा नहीं कर सकते हैं, कॉन्सियंसेज सेक, यहां पर एक गलत होगा। निर्जीव पदार्थों को पर्सोनिफाइड किया जाता है, पर्सोनिफाइड करना मतलब किसी निर्जीव चीज को मानव के रूप में बताना। तो किसी पदार्थों को पर्सोनिफाइड किया गया हो, तो पर्सोनिफाइड मतलब मानव रूप में, तो उसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एम्बिशंस टूल, डेथ्स आईसी हैंड, फॉर्चून्स फेवरेट, ये सब याद करने की चीज है, ध्यान देना है। नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस तथा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब जो आएगा जिरेंड के रूप में आता है। तो जिरेंड का मतलब एक्टिव में भी फोर और पैसिव में बींग प्लस भी थ्री। जैसे देखिए, आई वांट योर कमिंग, कमिंग ऑन टाइम, योर के बाद देखिए जिरेंड आ गया। सी वांट्स ही इज बींग पनिश्ड, ये पैसिव रूप में आ गया, मतलब योर के बाद भी फोर है तो ये एक्टिव रूप में है। हीज के बाद बींग प्लस भी थ्री है, इसका मतलब यह पैसिव में है।
इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हारा समय पर आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम समय पर आओ। शी वांट्स ही इज बींग पनिश्ड, वह क्या चाहती है, उसे दंडित किया जाना, कि उसको दंडित किया जाए। तो पैसिव फॉर्म में है, तो यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग देखें। अब नाउन में एपोस्ट्रोफियस में देखिए, आई डोंट लाइक राम्स कमिंग हियर, मतलब मैं राम का यहां आना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक राम या राम्स बींग हेल्प्ड, मैं नहीं चाहता हूं कि राम की मदद किया जाए। पैसिव फॉर्म में आ गया। तो बहुत सारे किताब में क्या किया है कि राम्स बींग हेल्प्ड, राम्स कर दिया एपोस्ट्रोफियस और उसके बाद पैसिव में कर दिया। लेकिन एक कंटेम्पोररी इंग्लिश ग्रामर जो एफटी वुड का किताब है, बहुत ही विश्वस्तर की किताब है, तो उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति के बाद जिरंड लाना हो तो एक्टिव रूप में एपोस्ट्रोफियस में आएगा, लेकिन पैसिव में एपोस्ट्रोफियस के साथ नहीं आना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि राम बींग हेल्प्ड, पैसिव में राम्स जो है एपोस्ट्रोफियस हटा देने के लिए कहते हैं। तो मैं भी राय दूंगा, लेकिन बहुत लोगों की राय है कि एपोस्ट्रोफियस के बाद ही बींग प्लस भी थ्री किया जाए, लेकिन मैंने अच्छी अच्छी किताबों में देखा, उन्होंने इस बात को बताया कि जब नाम के साथ एक्टिव फॉर्म आ रहा है तो एपोस्ट्रोफियस कीजिए, लेकिन पैसिव फॉर्म में उसको एपोस्ट्रोफी हटा दीजिए, एपोस्ट्रोफी हटा करके उसको पैसिव रूप में लाना चाहिए। इस तरह से आपका जो पार्ट एट था, इस पार्ट एट में मैंने बताया द यूज ऑफ पजेसिव केस। तो पजेसिव केस कैसे कैसे बनाए, ऑफ के द्वारा निर्जीव विषय वस्तु में, और सजीव में या निर्जीव को सजीव रूप में व्यक्त किया गया तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा। यदि आपसे कोई पूछे कि पजेसिव केस कैसे कैसे बनाया जाता है, तो दो तरह से बताए हैं, ऑफ के द्वारा और एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।